फैमिली, मेरा नाम है रायन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अभी बज रहे हैं अराउंड 6:30 AM और आज है 24th March और हम लोग निकल रहे हैं शिरडी के लिए। यस गाइज, तो अभी मतलब ये होली की छुट्टियों में ये पूरा वीक हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे नासिक। नासिक में एक्चुअली हम लोग वहाँ पे 2 nights रुकेंगे और उसके बाद वहाँ नासिक से हम लोग 2 nights रुकने के बाद शिरडी जाएंगे और 1 या 2 दिन वहाँ पे रुकेंगे एंड 3rd या 2nd day वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। तो मैं अपनी ये पूरी जर्नी का आपको ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। तो अभी बस हम लोग निकल ही रहे हैं, पैकिंग हमारी हो गई है सारी, बस कार में सामान डाल रहे हैं, तो बस अब निकलते हैं। चलिए, मैं आपको कार में मिलता हूँ। अभी गाइज हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग मंदिर में मत्था टेकते हुए निकल जाएंगे आगे बरेला से। और वेदर सुबह काफ़ी अच्छा है, थोड़ी सी ठंड है सुबह। तो अभी गाइज हम लोग नागपुर क्रॉस कर चुके हैं और ये नागपुर और मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से बस स्टार्ट है, फिर इसके बाद आगे पूरा एक्सप्रेसवे है। और गाइज ये एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट अराउंड 120 किलोमीटर्स है और अगर उससे ज़्यादा मतलब गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे गई तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का चलान कट जाएगा। यहाँ पे कैम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो अभी हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे। 10 कार एक साथ इस टोल प्लाजा में गाइस 10 कार एक साथ निकल सकती हैं। तो गाइस अभी चेकिंग के लिए हमारी गाड़ी को यहाँ पे रोका है ये टोल प्लाजा पे और इसका डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ सर, नाइट्रोजन हवा का मतलब सर ये एयर प्रेशर। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। क्लियर हो गई गाड़ी और गाड़ी यहाँ पे गाइस क्लियर हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं टोल प्लाजा से। आगे से बड़ा सा रोड और आगे की रोड आप देखिए काफी अच्छी है। तो गाइस ये यहाँ पे एक्सप्रेसवे में बीच में एनिमल्स के लिए एक ओवरपास बनाया गया है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और हाईवे में भी कुछ दिक्कत ना हो। आजू बाजू का भी नज़ारा यहाँ पे बहुत अच्छा है और ये 8-lane हाईवे है।
गाइज मैं आपको बता दूं कि नासिक तक अब ये पूरा एक्सप्रेसवे चलने वाला है। हाँ, और अभी से ये मतलब बहुत बोरिंग हो गया है और अभी हमें अराउंड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स जाना है, वो भी इसी रास्ते पे, और पूरा सीधा 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 है और स्पीड लिमिट 120 है। तो एक्चुअली ये दिक्कत हो रही है कि जैसे ही 120 तक जाती है स्पीड, तो स्पीड कम करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट जगह पे ऐसे मतलब कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसलिए वहाँ स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हम लोग तो यहाँ पे रास्ते में काफ़ी बोर भी हो रहे हैं। व्यू तो वैसे अच्छा है यहाँ का, साइड की बाउंड्री भी देखो आप, ये इस तरफ और इस साइड भी बनाई हुई है पूरे यहाँ पे एंड तक, ताकि कोई एक भी यहाँ पे जानवर ना आ जाए, क्योंकि वो जानवर की वजह से या तो उसका एक्सीडेंट होएगा या फिर किसी गाड़ी का। तो हर चीज़ की यहाँ पे सेफ्टी रखी गई है और इसको कहते हैं हम एक्सप्रेसवे। क्लिप बहुत सही टाइम पे चालू करी, ये देखो यहाँ पे कितना मस्त डिजाइन बनाया हुआ है बीच में, एक्सप्रेसवे के बीच में काफी अच्छे टाइम पे क्लिप निकाल दी मैंने। तो ये देखो भाइयों, दोनों तरफ यहाँ पे साउंड प्रूफ पैनल्स लगे हैं। और जिसने, अगर आप लोग ने वो नागपुर वाला व्लॉग देखा है तो शायद आपको याद हो कि हम लोग एक साउंड प्रूफ हाईवे से गए थे, वहाँ पर भी पूरे साउंड प्रूफ पैनल्स लगे थे दोनों जगह। वो उस हाईवे का नाम ही है साउंड प्रूफ पैनल्स। तो अगर आपने वो नागपुर वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस व्लॉग को भी देखो, वो नागपुर का टूर भी हमारा बहुत अच्छा था। गाइस अभी हम लोग नासिक यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेरे अंकल एंड बुआ के घर पे। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे और उनका एक डॉग है अल्फी, वो बहुत क्यूट है। अभी मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ, तब तक गाइज मैं आपको रुको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये गाइज ये घर है, ये यहाँ पे किचन है, और ये गाइज सामने ये पांडव केव्स है। ये पांडव केव्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो एक साल के लिए पांडवों को लाइक मतलब रहने के लिए बोला था, तो वो लोग ये केव में रहे थे आके। तो ये पांडव केव्स है और वहाँ पे पीछे भी काफ़ी पहाड़ बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत ग्रीनरी भी है। और मतलब वेदर तो अभी थोड़ा गर्म है यहाँ पे,
यहाँ पे जून और जुलाई के टाइम पे बारिश होती है तो काफ़ी ठंड हो जाती है। और गाइस मैं खाने का शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग एक्चुअली बहुत भूख लगी थी, इतनी लंबी जर्नी थी अराउंड 12 आवर्स की, तो हम लोग को काफ़ी भूख लगी थी तो इसलिए हम लोग ने जल्दी जल्दी खा लिया तो मैं वो शूट नहीं कर पाया। तो गाइस ये जर्नी का व्लॉग तो यहीं तक था, इसके बाद मैं आपको अगर हम लोग कहीं घूमने वूमने जाएंगे तो उसका मैं नासिक पार्ट 1 नासिक पार्ट 2 भी डालूंगा। तो चलो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।